हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एफबीआई गवाह को वापस जारी होगा समन। बहुचर्चित एएनएम भवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में मंगलवार को अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत में सीबीआई के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए कहा कि गवाह को दोबारा समन जारी किया जाएगा। सीबीआई की ओर से एफबीआई गवाह अंबर बी कार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करवाने को लेकर पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर आदेश होना था। कोर्ट ने आज आदेश पारित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बजाय गवाह को एक बार फिर समन जारी करने को कहा, क्योंकि कोर्ट ने माना कि आज की तारीख में गवाह का कोई जवाब कोर्ट के समक्ष नहीं है। फरवरी में गवाह ने समन पर अप्रैल में गवाही के लिए कहा था, उसके बाद कोई जवाब नहीं होने से अब दोबारा समन जारी किया जाएगा। वहीं आरोपियों की ओर से जेल प्रशासन के खिलाफ पेश किए गए प्रार्थना पत्रों पर आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में 17 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, पूर्व विधायक मलखान सिंह को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को पेश किया गया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।